मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने 189 खिलाड़ी और 7 हमारे कोचेस को आज सम्मानित किया, 62 करोड़ रुपए की नकद राशि भी वितरित की है और साथ में नौकरी देने का भी काम किया है। डीएसपी का पद हो, युवा कल्याण अधिकारी हो, इस तरह से एक प्रोत्साहन जो युवा खिलाड़ियों को मिला है वो बहुत स्वागत योग्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का रोड मैप उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल विभाग के माध्यम से बनाने जा रहे हैं कि हर ब्लॉक पे खेल का स्थान हो, पूर्व चैंपियन एथलीट को वहाँ पर सेंटर चलाने की जिम्मेदारी दी जाए, जो बात माननीय योगी जी ने आज मंच से कही, अगर ये धरातल पर अगले 2 सालों में उतर जाएगी तो अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ब्लॉक स्तर से खिलाड़ियों की एक बड़ी फौज मिलनी तैयार हो जाएगी। मुझे लगता है आज उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात थी, एक और खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की नकद राशि दी, सबसे बड़ी राशि खेल पुरस्कार की अगर देश में कहीं है तो उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है, तो ये बड़े स्वागत योग्य कदम है।